हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम आईटीआई प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कार्यशाला गणना एवं विज्ञान वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सीरीज में पार्ट नंबर 6 की वीडियो ला रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 79 से क्वेश्चन नंबर 112 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि इसका लाभ सभी आईटीआई प्रथम वर्ष के छात्रों, ऐसे छात्र जिनकी किसी वर्ष कारणवश प्रथम वर्ष वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में बैक लग गई हो, तथा सीआईटीएस छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में अच्छे नंबर ला पाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड, यानी गति का सूत्र क्या है। देखिए, सबको पता है कि गति का सूत्र क्या है, आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड। तो फार्मूला फॉर स्पीड मतलब आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल बटे समय, ठीक है। तो स्पीड, देखिए स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है, तो आप जानेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्या होती है, दूरी होती है, ना कि वेलासिटी होती है। अगर चेंज इन वेलासिटी अपॉन टाइम की बात करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है आपकी, ये आपका एक्सिलरेशन है, ठीक है। ये एक्सिलरेशन का फार्मूला है, पहली चीज जान लीजिए। डिस्टेंस इन डिफिनिट डायरेक्शन अपॉन टाइम, निश्चित दिशा में दूरी बटे समय, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, वेलासिटी है, सॉरी, इसको वेलासिटी बोलेंगे। और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है, एम बी माइनस एम यू, ठीक है, अपॉन टी, तो यहाँ से आपका एम ए आ जाता है। तो आपका डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, तय की गई दूरी बटे समय, तो ये आपका किसका फार्मूला, ये स्पीड का फार्मूला। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि अगर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा तो वो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, अगर डिस्टेंस इन डिफिनेट डायरेक्शन अपॉन टाइम होगा तो वो वेलोसिटी का फार्मूला है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है, तो आप लोग जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, अभी आप लोगों ने पढ़ा स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन चली गई दूरी बटे समय, ठीक है, लगा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, और यही मात्रक आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हो जाए, वेलोसिटी के लिए भी हो जाएगा। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर ही होगी। तो अगर आपसे यहाँ पर स्पीड की जगह कहीं पर डिस्प्लेसमेंट बोल देता, सॉरी, वेलोसिटी बोल देता, तब भी आप लोग क्या लगाते, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी, वेग का सूत्र क्या है। अभी आपको बताया कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का वर्ड अपॉन टाइम, ये तो स्पीड हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी निश्चित दिशा में दूरी बटे समय, ये आपका किसका फार्मूला हो जाता है, तो ये आपका वेग का फार्मूला हो जाता है, यानी वेग का सूत्र है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी, तो आपको क्या लगाना है कि मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पॉसेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन, ठीक है। तो क्या करती है, ओनली मैग्नीट्यूड यानी उसमें क्या, केवल परिमाण या साइज होता है, तो जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बोलिए, तो उसे क्या कहेंगे जिसमें परिमाण होगा केवल, ओनली, दिशा नहीं होगी, वो कैसी क्वांटिटी होगी, अदिश राशि, आ मतलब नहीं, दिस माने दिशा, जिसमें नहीं है दिशा उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, इसमें क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर क्वांटिटी अगर होगी आपकी, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस में होता है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी में।
वेक्टर क्वांटिटी का एक उदाहरण बताइए अगर आपसे बोल दे तो आप फोर्स बता देंगे, ठीक है, आपसे स्केलर का पूछ ले तो आप वर्क बता देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आपको क्या लगाना है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। देन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है, ठीक है, विस्थापन के परिवर्तन की दर वेलासिटी अपॉन टाइम इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर विस्थापन की दर होगी, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी है उसमें चेंज हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं आप, वेलासिटी बोलेंगे यानी वेग बोलेंगे, ठीक है, और वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे बताइए, त्वरण बोलेंगे। तो जब वेग परिवर्तन की दर आए तो आपको त्वरण मानना है, जब विस्थापन परिवर्तन की दर आए तो आपको वेलासिटी पे टिक करना है। देन नेक्स्ट पूछें, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो क्या बोलेंगे, जब मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई रेफरेंस पॉइंट है और इसके सापेक्ष ये कोई वस्तु है, ये अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है इसके सापेक्ष, तो क्या बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा कि वस्तु स्थिति की अवस्था में है और यदि अपनी ये लगातार जो है स्थिति को बदल रहा है इस बिंदु के सापेक्ष, तो इसको बोला जाएगा कि वस्तु गति की अवस्था में है। तो यहां पर क्या हो रहा है, वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, जब नहीं बदलता है तो क्या है, वस्तु विश्राम में है यानी बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है, तो आप लोग को क्या लगाना है, बॉडी एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, जस्ट अपोजिट आ गया, अब क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है, जब स्थिति को बदलेगे, जब कोई वस्तु क्या होगा, आप स्थिति को बदलेगा तो उसे कहा जाएगा कि वस्तु किस अवस्था में है, वस्तु गति की अवस्था में है यानी बॉडी मोशन की अवस्था में है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को करना है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप इस पूरी वीडियो सीरीज को देखेंगे तो आप WSC में 50 में कम से कम 40 नंबर तो लाने वाले ही हैं, और 40 से ज्यादा ही आने हैं, कम नहीं आने हैं, ठीक है। व्हाट इज वेलासिटी ऑफ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर्स इन ए लाइन इन 21 सेकेंड, ठीक है, तो वेलासिटी पूछा गया, तो वेलासिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका 168 मीटर्स का, देखिए वेलासिटी इक्वल टू क्या होता है, आपको अभी भी बताया, कई बार बताया गया, वेलासिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 168 और टाइम इंटरवल कितना है 21, ठीक है। अब देखिए, अब आपको सॉल्व कर लेना है, तो 21 8 जा कितना होता है 168, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकंड, कितना 8 मीटर पर सेकंड का जो है यहां पर वेलासिटी आपको मिलने वाली है, यानी 88 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे के क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं, तब तक 89 पर, ठीक है, तो 89 क्वेश्चन पर अगर हम पढ़ेंगे तो एक 80 मीटर लंबी ट्रेन है, ये आपकी एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, तो ये इसकी लंबाई कितनी है, मान लो ये डिब्बे लगे हुए हैं ट्रेन के, इसकी लंबाई 80 मीटर है और ये एक लंबे 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म से गुजरती है, तो ये आपका प्लेटफार्म मान लीजिए, ये आपका स्टेशन है, ठीक है, हम रुदौली में रहते हैं तो मान लो रुदौली का स्टेशन ये बना हुआ है, और इसके प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो गई, 120 मीटर जो है लंबा ये प्लेटफार्म है, हमारे यहाँ फैजाबाद दिल्ली का स्टॉपेज नहीं, तो मान लो ये फैजाबाद दिल्ली ट्रेन है, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये 20 सेकंड में गुजर जाती है, तो देखिए इसकी चाल हमें किस में ज्ञात करनी है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को लगाना। तो देखिए जब ये ट्रेन यहां आएगी, जब ये ट्रेन इस प्लेटफार्म के इस कोने पर आएगी, तो सबसे पहले क्या करेगी, ये अपनी दूरी के बराबर चलेगी 80 मीटर, और 80 मीटर जैसे मान लो ये यहां पर पहुंच गई, 80 मीटर के बाद ही अब ट्रेन को पार करने के लिए जब 120 मीटर और चलेगी तब जो क्या हो जाएगी, ये इस छोर पर पहुंच पाएगी, यानी स्टेशन को पार कर चुकी होगी, प्लेटफार्म को पार कर चुकी होगी, तो यानी
अगर हम बात करें तो ट्रेन द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई होगी, तो 80 और प्लस 120 यानी 200 मीटर की दूरी चली गई। कितनी? 200 मीटर। भाई इस प्लेटफॉर्म को पार करने में आपको पहले इस ट्रेन ने 80 मीटर चला, 80 मीटर चल के मान लो यहाँ पहुंची, ये 80 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो 80 मीटर चल के आई तो ट्रेन यहाँ पे कहीं खड़ी होगी। अब उसके बाद जब इसको पार करना है तो क्या करेगी, 80 मीटर और चलेगी तो कहीं यहाँ पर पहुंचेगी, और फिर 40 मीटर और चलेगी तो फिर इसको यहाँ पे पहुंचेगी। तो यानी 120 और प्लस 80 इसको चलना पड़ेगा तभी प्लेटफॉर्म पार पड़ेगा। तो ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी? 200 मीटर। कितने सेकंड में पार कर रही है? 20 सेकंड में। तो आपकी चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू 200 और कितने सेकंड में पार कर रही है? 20 सेकंड में। तो 20 दाम में 200 यानी आपका कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए बात क्या फंसती है कि यहां पर आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। ठीक है, तो अब किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है कि किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। ठीक है, किससे गुणा करते हैं? 5/18 से कब गुणा करते हैं? जब आपको किलोमीटर किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। किसमें? मीटर पर सेकंड में। तब आप किसमें? 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर आपका मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर हो तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 10 गुणे आपका कितना हो जाएगा? 18/5। तो 5 × 10 आपका ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्यों गुणा करते हैं आप ये भी जान लीजिए। देखिए मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 1000 से भाग दोगे तो 10/1000 ये किलोमीटर हो गया, और सेकंड को तो आप 3600 से क्या करोगे? भाग दोगे तो गुणे 3600 ऊपर पहुंच जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हो 3600/1000 को तो ये 18/5 आता है, इसलिए 18/5 से हम गुणा करते हैं, और किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। कैसे हुआ आप एक बार समझ लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बाकी आंसर आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहां पर भारत स्किल में इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, खाली ये सवाल दिया गया है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन? हमने आपको बताया कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी ठीक है अपॉन टाइम इंटरवल का जो फार्मूला होता है वो किसके लिए फार्मूला होता है? वो त्वरण के लिए फार्मूला होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, तो ये वेग परिवर्तन बटे सम वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। फार आपसे पूछा मात्रक क्या होगा, तो वेलासिटी का मात्रक मीटर पर सेकंड और टाइम इंटरवल का मात्रक पर सेकंड। तो यहां से आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सूत्र पूछा है तो सूत्र में आपको कौन सा? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल वाले ऑप्शन पर आपको टिक मार देना होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो आपको क्या बताया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? यूनिट आपका हो जाएगा। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको बताया पीछे। उसके बाद अब पूछा है कि एक कार का त्वरण क्या है? कार का पूछा गया त्वरण। ठीक है, यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो आपका कार की यू क्या है? मतलब इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, आपको पता है। तो 25 किलोमीटर पर आवर थी कार की इनिशियल वेलोसिटी, देखिए आवर थी, और लास्ट वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। अब कितने सेकंड में? ये 25 से 40 होने में कितने मिनट का समय लिया? तो आपका टाइम इंटरवल दिया गया 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए आप आंसर देख लीजिए किसमें दिया गया है। आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया गया है, और आपको सारी चीजें किलोमीटर पर आवर और मिनट में दी गई। तो आप क्या करिए, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए। तो वेग परिवर्तन डेल्टा वी निकाल लीजिए, तो वी माइनस यू बराबर आपका कितना हो जाएगा? वेग परिवर्तन कितना हो रहा है बताओ? 40 - 25, 40 - 25 यानी 15 किलोमीटर प्रति आवर का जो है वेग परिवर्तन आपका हो रहा है। अब ये किलोमीटर पर आवर में हमें मतलब नहीं है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 गुणे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप बोल एक बार बोल दीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो किलोमीटर को 1000/3600 यानी 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, तो आपका कितना आ जाएगा? 25/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखिए
कितने मिनट में ऐसा हो रहा है, तो ये आपका 1 मिनट में ऐसा हो रहा है। तो 1 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करोगे तो 60 सेकंड के बराबर हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो डेल्टा वी आपका कितना निकला, 25/6, और गुड़े आपका कितना हो जाएगा, 60। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 25/6 × 60 को, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.069 m/s². सॉल्व कर लीजिएगा 0.069 m/s². नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ ए कार मूविंग विद अ वेलोसिटी 50 km/h ब्रॉट टू रेस्ट इन 45 सेकंड। देखिए, कोई चीज की पहली वेलोसिटी क्या थी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी और कार रुक रही होगी तो वहां पर एक्सेलरेशन है, उसको हम मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो 50 km/h ये कार की चाल थी, ठीक है, और वी बराबर क्या हो गया, 0। तो यानी रिटार्डेशन हुआ, डेल्टा वी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50 किलोमीटर का रिटार्डेशन हुआ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां से 50 × इसको चेंज करो तो 5/18 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, कर दोगे नहीं, 50 किलोमीटर 1000 और बटे आवर को 36, और 5/18 ही आएगा, तो ये आपका हो गया साल। चलिए इसको देखते हैं, अब कितने सेकंड में, 45 सेकंड में ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, 45 सेकंड में। सॉल्व कर लीजिए तो ए बराबर क्या होता है, रिटार्डेशन बराबर भी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो 50 × 5/18 और गुड़े कितने सेकंड में, 45 सेकंड में। जरा से सॉल्व कर लो तो 5 × 5 = 5, 5 × 9 = 45, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 50/172। तो सॉल्व कर लीजिए 18 भैया 162, तो 50 बटे कितना आ जाएगा आपका, 162। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखते हैं, 50/162, तो आपका कितना आ जाएगा, 0.3086 m/s² आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.3086 m/s² आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 0.30 m/s² वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं, लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है, यदि वो टेक ऑफ करने के लिए 700 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करती है, 10 सेकंड में। 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, फ्रॉम लैंडिंग फील्ड हैज टू रन 700 m इफ इट लीव्स द ग्राउंड इन 10 सेकंड्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में इसने तय की, तो शुरुआत में तो वेग कितना हुआ इसका, विस्तार विस्तार मतलब वेग ज्ञात करो, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो गया, सॉरी वी बराबर कितना हो गया, तो वी बराबर हो गया 700/10, 700/10, तो 10 × 0 = 70, तो इसका आ जाए 70 m/s², ठीक है। अब ये 70 m/s² जो है 10 सेकंड में आपका क्या करता है, 700 m करता है। अब उसके बाद क्या करें, वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन कितना, इनिशियल वेलोसिटी में 700 मीटर लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसको बाद में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है, टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है। तो यह 12, देखिए इसको जो हम बाद में भी दूसरी वीडियोस में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसको देखिए से छोड़ दीजिए, यह क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, व्हाट मैक्सिमम हाइट ए स्टोन विल रीच इफ इट इज अपवार्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 m/s², किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 m/s के वेग से ऊपर फेंका जाए। तो यहां से देखिए, आपको गति के समीकरण संबंधी 3 समीकरण आपने पढ़ा होगा, v बराबर u + at, ठीक है, s बराबर आपने पढ़ा होगा ut + ½ at² और वी स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है u² + 2as, ये पढ़ा आपने। अब देखिए यहां पर ये तो सरल रेखीय गति के लिए है, बट अगर इसको हम ऊंचाई के लिए बात करें तो यहां से हो जाता है v बराबर u + gt, s बराबर h बराबर s की जगह h हो जाता है, h बराबर क्या रख देते हैं, ut + ½ gt² ठीक है। और
वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, यहां पर ए की जगह हम ए जी और एच ऊंचाई के लिए। अब ऊंचाई के लिए अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो जी का मान क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाएगा। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जा रही है तो जी का मान कैसे लिया जाएगा आपका, पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए v बराबर u प्लस जी टी, यहां पर क्या बोला है कि कितनी ऊंचाई ग्रहण करेगा। तो भाई जब पत्थर आपने पहले फेंका तो उसका u बराबर 0 रहा होगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नहीं, u बराबर 0 क्यों रहा होगा, यहां पर विद ए वेलासिटी 20 दिया है, 20 मीटर पर सेकंड, जब ऊपर से फेंका जाएगा तब 0 रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड रहा, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। जब ये महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उस समय इसकी वेलासिटी क्या होगी, 0 मीटर प्रति सेकंड, क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आपका कितनी ऊंचाई पहुंचेगा, तो जी की वैल्यू आपको दी रखी है, जी की वैल्यू आपको क्या रखी है, दी रखी है। तो पहली चीज निकालो तो कितने सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितने सेकंड में हो जाएगी, तो यहां से आप निकालिए 0 इक्वल टू यू की वैल्यू 20 और माइनस जी टी, माइनस जी टी, जी की वैल्यू रख दो 10 और इंटू टी। तो यहां से टी बराबर कितना हो जाएगा, 20/10। ठीक है, तो 10 × 20 यानी 2 सेकंड में जो है ये महत्तम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। अब 2 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी जरा निकाल लो, तो h बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से u की वैल्यू रखो 20 × 2, और यहां पर g की वैल्यू माइनस में रखो क्योंकि ऊंचाई कहां पर, ऊपर की ओर फेंक रहे हो ना, तो माइनस आपका हाफ इंटू जी की वैल्यू 10, और टी की वैल्यू कितनी, 2 है, टी की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, तो 20 × 40 और माइनस 10 × 20, तो 40 में से 20 क्या कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो कितनी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई होगी, तो 20 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये पत्थर आपका क्या होगा, पहुंचेगा। तो यहां से 95 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, तो एक इकाई में सिया पावर बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टाइम। ठीक है, कार्य की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहां से पी पावर बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा डब्ल्यू अपॉन टाइम। ठीक है, जूल प्रति सेकंड जो इसका मात्रक हो जाएगा, और इसी को हम किससे जानते हैं, वाट के नाम से। तो जूल पर सेकंड आपका ये वाट, पावर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 96, वाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, वाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट, तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट के रेशियो को आप क्या बोलते हैं, इफिशियंसी यानी दक्षता। पावर आउटपुट टू पावर इनपुट को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी यानी दक्षता के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर भारत स्किल क्वेश्चन को आपने याद रखा तो WFC में आपके अच्छे नंबर लाएंगे आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, 99 का ए नंबर आपका है, वाट इज कॉल्ड इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्स ऑन ए बॉडी एंड मूव्स इट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो यार ये का मतलब हो गया, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से, ठीक है, वो 1 मीटर की दूरी तक चले तो किया गया कार्य क्या होता है, 1 जूल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर वो उस 1 मीटर दूरी तक विस्थापित हो जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। वही चीज यहां पर बोला गया कि यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर दूरी तक चलाती है, खिसकाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो वो 1 जूल कार्य होगा आपका। 10 जूल 1 डाइन और 10 डाइन जो है बिल्कुल गलत आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी अर्ग्स फॉर 1 जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल में आपके कितने अर्ग होते हैं, ये 107 नहीं होगा, ये 10^7 लिखा हुआ है, 10^5 लिखा हुआ है, 10^3 लिखा हुआ, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, आपको याद होगा, आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज में कन्वर्जन भी सिखाया है, तो 10^7 अर्ग होता है। कितना अर्ग होता है आपको याद रखना है कि 1 जूल में 10^7 अर्ग होते हैं। हाउ मेनी न्यूटन्स फॉर 1 किलोग्राम,
एक किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि एक किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है बताइए, तो एक किलोग्राम में 9.8 न्यूटन्स होते हैं, एक किलोग्राम में 9.81 न्यूटन्स होते हैं। हाउ मेनी वाट्स फॉर वन हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम, तो जब भी आपसे मैट्रिक सिस्टम में पूछेगा तो आपको क्या रखना है, 735.5 वाट, कितना रखना है आपको, 735.5 वाट जो होते हैं, अगर उसमें ब्रिटिश में पूछा जाएगा तो 746 पे आप टिक करके चले आएंगे, ठीक है। लेकिन बस मेट्रिक में पूछा है तो मेट्रिक में आपको क्या करना है, 735 पर जो है आपको टिक करना है। देखिए, हाउ मेनी वाट्स फॉर वन हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम, तो ब्रिटिश सिस्टम में आपको क्या करना है, 103 जो है आपका ऑप्शन, इसमें क्या करेक्ट है बताइएगा, 736 पे करेंगे, 726 पे करेंगे, 746 पे करेंगे या 756 पे करेंगे, तो यहां पर आप किस पे करेंगे, 746 वाट पर करेंगे। मेट्रिक सिस्टम में बोलेगा तो आप 735.5 वाट पे करके आएंगे टिक, अगर ब्रिटिश में बोलेगा तो आप 746 वाट पे टिक करके आएंगे, इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिस्टम में एक हार्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है, एक हार्स पावर की समतुल्य इकाई की अगर आपसे बात की जाए तो ये आपका कितने के बराबर होता है, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। एक हार्स पावर की समतुल्य इकाई कितनी होती है, 7 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो इसके लिए विस्तार के लिए आप प्रीवियस वीडियोज देखें। व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, यू बराबर एम जी एच, अगर काइनेटिक एनर्जी का पूछे तो के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, मात्रक दोनों का जूल ही होगा, तो यहां से आ जाएगा यू बराबर एम जी एच, एम जी एच जूल, यानी 105 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वन नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करिए गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर, देखिए भारत स्किल की बुक में V2 दिया गया है, इसको V2 मत समझिएगा, एम बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, यानी 106 का क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करिए कि हाउ मच वर्क डन इन वन आवर इफ ए पंप्स कैन रेज 100 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 200 मीटर्स इन वन मिनट्स, एक घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप जो है एक मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है, तो पहली बात तो W बराबर क्या होता है, F into D, ठीक है, तो 100 लीटर पानी उठाने के लिए कितना काम करना है, F बराबर W बराबर mg, तो m into क्या हो जाएगा 200 और गुणे 100, कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है, कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है बताइए, तो ये आपका 200 गुणे 100 कैसे होगा, 100 गुणे 10 मान लीजिए और गुणे d बराबर कितना हो जाएगा 200, तो ये आपका इतना जो है काम कितने मिनट में हो रहा है, ये आपका काम कितने मिनट में हो रहा है, एक घंटे एक मिनट में, तो ये 60 मिनट का काम है, तो 60 मिनट का अगर काम है तो एक घंटे में कितना होगा, एक घंटे में कितने मिनट होंगे, एक मिनट में इतना हो रहा है तो 60 मिनट में कितना होगा, गुणे 60 कर लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए बात को फिर से समझिएगा, एक मिनट में कितना कार्य हो रहा है, तो W बराबर F into D होता है, F कितना हो गया 200 लीटर पानी है, तो 100 गुणे 10 भाई, इसको W बराबर mg होता है ना, तो 100 गुणे 10 कितने मीटर ऊंचाई तक चढ़ाना है, तो 200 मतलब ये एक मिनट का कार्य आपने निकाल लिया, अब आपको एक घंटे का बोल रहा है तो गुणे 60 कर लीजिए, तो यहां से आप कर लीजिए 2 × 12 और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 12 गुणे 10 की घात 6 किलोग्राम आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है आंसर यहां से, तो 107 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका यहां पर 12 गुणे 10 की घात 6 होगा, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6, तो आपके कितने जीरो आ जाएंगे, आपके 6 जीरो आएंगे ना कि 5 जीरो आएंगे, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 12 गुणे 10 की घात 6 किलोग्राम मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 250 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी पर तक चलती है, व्हाट इज द वर्क डन इफ ए फोर्स ऑफ 250 न्यूटन्स एक्टेड अपॉन ए बॉडी, ठीक है, एंड द बॉडी हैज बीन मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स। देखिए यहां पर 107 नंबर में एक चीज देखिए याद आ गई, यहां पर क्या कहते हैं किलोग्राम मीटर में दिया गया है, तो ये 10 से जो है हम गुणा नहीं करेंगे,
ठीक है, प्लीज आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गलती हो गई। 10 × 5 जो है किलोग्राम मीटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम मीटर में ही आंसर पूछा है, ना कि न्यूटन में पूछा है। तो ठीक है, न्यूटन में पूछा होता तो जी से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन जी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 100 × 200 × 60 हो जाएगा, तो 12 × 10^5 किलोग्राम मीटर आपका आंसर होगा। इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके सॉरी, देखिए, वाट इज द वर्क डन इफ ए फोर्स ऑफ 250 newtons एक्टेड अपॉन ए बॉडी एंड द बॉडी हैज बीन मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 50 meters। यदि 250 newton बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर दूरी तक चलती है, तो W बराबर आपको पता है F इंटू डी होता है। F कितना लग रहा, 250 newton, और वस्तु कितना खिसक रही, 15 मीटर की दूरी। तो 15 × 0 = 0, 15 × 5 = 75, 5 + 7 = 7, और 15 × 2 = 30, 7 = 37। तो 3750 जूल जो है आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 100 का डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ ए बॉडी ऑफ मास, मास कितना है 250 किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ पर आपका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान मास ऑफ 250 किलोग्राम, ठीक है, इज एट हाइट, हाइट कितनी है 30 मीटर, तो स्थितिज ऊर्जा, तो W बराबर क्या होता है mgh। देखिए यहाँ पर आंसर आपका उसमें डेसिमल में दिया गया, तो इसका मतलब समझ लीजिए 9.8 रखा गया होगा, 250 × 9.8 और इंटू आपका कितना हो जाएगा h, 30, 10 ही रख लीजिए, चलिए 10 ही रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 25 × 75 और गुड़े 75, 1 0 2 0 और 3 0, 3 0 हो जाएगा। तो आप इसको ये जूल में आ जाएगा, किलो जूल में दिया गया, तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 75 किलो जूल लगभग आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ से 75 जब 10 रख रहे हैं तो, और 9.8 रखेंगे तो कुछ और कम आएगा, तो 109 का जो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर 250 किलोग्राम × 30 मीटर, तो ये आपका देख लीजिए, एक बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक मिनट का समय आप दीजिए, ठीक है, 9.8 से मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं, 250, ठीक है, m हो गया, g की वैल्यू आप इंटू 9.8 और इंटू आपका h कितना है 30, 30, तो ये आपका 73.57 के समथिंग आ रहा है, जब 9.8 रख के देखेंगे तो 73.57 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ ए बॉडी 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम जो है बॉडी, केप्ट एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई, ठीक है, एम बराबर 10, जी बराबर 20 मीटर, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो आप स्थितिज ऊर्जा एम जी एस से आप क्या निकालेंगे, एम 10 हो जाएगा, जी 20 हो जाएगा, एच आपका जो है 20 हो जाएगा, तो 20 और एच आपका कितना हो जाएगा, सॉरी जी की वैल्यू 9.8 रख दीजिए, 9.8 × 20, ठीक है, तो 20 आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, जीरो से ये हटा दीजिए, 98 × 2 × 10, ठीक है, 2 × 8 = 16 के 6 हासिल लगा कितना, 1 × 2 = 18 = 19 और ये जीरो, तो 1960 जूल के करीब जो है आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 मान के निकाला गया है क्या, हाँ, तो 10 मान के अगर निकाला गया तो आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1960, तो 1960 के करीब जो है 1962 जूल आ रहा है, तो आप इस पर टिक कर देंगे, ठीक है, 9.8 रख के निकालने पर 1960 जूल जो है आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज द वर्क डन इन जूल्स इफ ए लोड इज लिफ्टेड थ्रू ए हाइट ऑफ 4.5 meters, तो आपका यू बराबर क्या एम जी एच, एम बराबर कितना 15.5, जी बराबर 9.8 ही रख दीजिए या 10 रख दीजिए, ज़्यादा यहाँ डेसिमल हो रहे हैं, 10 रख दीजिए और इंटू 4.4, ठीक है, तो यहाँ से 155 × 4.4 हो जाएगा, तो 155 × 4.4 155 × 4.4 ये आपका कितना 682 के समथिंग आ रहा है, इसके सही मतलब 9.8 रख के निकाला गया, तो ये आपका लगभग कितना सही हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा 669, ठीक है, तो 111 का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बुलेट ऑफ मास 5 किलोग्राम 5 ग्राम
ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। तो जब जूल में निकलेगी तो के बराबर क्या होता है आपका, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू एम आपका 5 दिया गया है, तो 5 इसको ग्राम में दिया गया, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और गुड़े वी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 500 मीटर पर सेकेंड, तो 500 और गुड़े कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, तो आप ये हो जाएगा, 0 से ये 3 0 क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे सीधे सीधे, 2 से आपका ये 25, तो आपका हो जाएगा 25 25 125 और गुणे 5। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 625 जूल। कितना आ जाएगा, 625 जूल, यानी 112 नंबर का आपका कितना आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।